हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन चैनल, जहां पर मैं बिलीव करती हूं इजी कुकिंग इज हैप्पी लिविंग। तो आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर खाना आसानी से बन जाए और टेस्ट में हो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, तो जिंदगी हो जाती है कितनी खुशहाल। तो आज की ये रेसिपी एकदम वैसी ही रेसिपी है। ये है मेथी मटर मलाई, जो कोई भी रेस्टोरेंट की रेसिपी के टेस्ट को फेल कर देगा, और बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी। जब आप पूरी रेसिपी देखेंगे तो खुद जान जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मटर। मैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप रेगुलर मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ 2 बंडल मैंने लिए हैं यहाँ पर मेथी। तो मेथी की लीव्स को अच्छे से सेपरेट कर लें और अच्छे से धो लें, क्योंकि इसमें कई बार काफ़ी मिट्टी होती है, और उसके बाद इसको काट कर तैयार कर लें। तो मैं इसको धोकर और काट कर तैयार करती हूँ, तब तक चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 3-4 टेबलस्पून के करीब तेल गरम करा है, जिसमें डाला है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटे ये तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा। जीरा हल्का सा भूनने के बाद इसमें डाल दी है 1 मीडियम साइज की डाइस की हुई प्याज। बस इस प्याज को हमें अच्छे तरीके से पकाना है, जब तक कि हल्की सुनहरी यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती ये प्याज। तो जैसे ही प्याज हमारी हल्की सुनहरी हो गई है, इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको चला लेते हैं। तो अच्छी तरीके से कुछ सेकंड से 1 मिनट तक के लिए इसको भून लेते हैं, ताकि अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाए। और उसके बाद इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर, जिसका सिंपली बस ब्लेंडर में चलाकर मैंने पेस्ट बना लिया है। नमक डाल देते हैं इसके अंदर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर हो सके तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें तो अच्छा रंग आएगा, 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और इसको मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। तो इसको भून लेते हैं जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं होने लग जाता। और जैसे ही इसमें से तेल अलग होने लग जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे ये मटर। अच्छे से मटर को भी मिलाएंगे मसाले के साथ। और अब मटर को हमें पकाना है, ताकि मटर जो है कंप्लीटली पक जाए। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/2 कप के करीब पानी, और बस इसको मिलाकर ढक्कन ढक के अच्छे से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये मटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये मटर हमारे अच्छे से पक गए, 6-7 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे इसको पका लिया है। अगर आपके मटर कच्चे हैं तो थोड़ी देर और पका लें उसको। तो मटर कम्प्लीटली सॉफ्ट हो गए, लेकिन ग्रेवी को मैंने थोड़ा सा और पका लिया, ताकि थोड़ी गाढ़ी हो जाए ये ग्रेवी। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है जो मेथी है हमने काट कर तैयार करी है वो। तो जैसे मैंने पहले बताया, अच्छी तरीके से पत्तों को धो लें, और उसके बाद रफली चॉप करके आप मेथी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप मेथी को पकाएंगे तो देखेंगे कि मेथी एकदम श्रिंक हो जाती है। तो इसमें आप रफली इस मेथी को चॉप करके यूज़ कर सकते हैं। तो बस मेथी इसमें डाल दी हमने, और इसके बाद अब मेथी को हमें पकाना है। तो ढक्कन ढक के 2-3 मिनट के लिए हम मेथी को भी पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि मेथी जो है बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए 3-4 मिनट में ही पक जाएगी ये। तो इसलिए हमने मटर को पहले अच्छे से पका के फिर मेथी डाली है इसमें। तो ये ढक्कन ढक के मैंने 3-4 मिनट इसको पका लिया है, और मेथी बिल्कुल अच्छे से पक गई है हमारी। तो मेथी में हल्की सी अपनी जो एक कड़वाहट होती है, जो अगर आप मेथी आलू बनाते होंगे या कोई भी मेथी की रेसिपी बनाई होगी आपने तो जानते होंगे। तो ये जो कड़वाहट है स्पेशली इस डिश में बैलेंस आउट हो जाती है, क्योंकि ये है मेथी मटर और साथ साथ मलाई। जी हाँ, मलाई जो है इसमें बैलेंस आउट करती है मेथी की जो हल्की सी बिटरनेस है उसको, और साथ साथ डिश को बनाती है बहुत ही क्रीमी। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप ली है ये क्रीम, उसके अंदर डाल दी है 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ ये ड्राइड फेनुग्रीक लीव यानी कि कसूरी मेथी, और 1/2 चम्मच गरम मसाला। कसूरी मेथी थोड़ा एडेड फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऑलरेडी मेथी की रेसिपी है, तो इसमें अगर आप ड्राई वाला नहीं भी ऐड करेंगे कसूरी मेथी, तो भी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो बस अब सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर पका लेना है, जब तक कि ऑयल सरफेस आउट होने नहीं लग जाता। ऑयल सरफेस आउट हो जाएगा मतलब हमारे मसाले, हमारी रेसिपी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है, सब मसाले जो हैं अच्छे से पक चुके हैं, और जो क्रीम है हमारी उसका भी थोड़ा कच्चापन नहीं आता ग्रेवी में। हालांकि ऊपर से गार्निश करने के लिए आप थोड़ी सी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमने मलाई की तरह क्रीम इसमें ऐड करी है, इसको जब आप पकाएंगे तभी डिश का रंग भी अच्छा आएगा, और साथ साथ
टेस्ट भी तभी आएगा, तभी बनेगी क्रीमी एकदम ये रेसिपी। तो बस हल्का सा इसको मैं और पकाऊंगी और उसके बाद इसको करती हूँ प्लेट आउट और आपको दिखाती हूँ। तो ये बनकर तैयार है डिलीशियस सी मेथी मटर मलाई। कितना सिंपल है इसको बनाना ये तो आपने देख ही लिया, और ट्राई कीजिए ये रेसिपी और एंजॉय करें इसे। लच्छा पराठा, गार्लिक नान, किसी भी तरीके के नान के साथ खाएंगे, पराठे के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा इसका टेस्ट। ट्राई कीजिए, बनाइए इसे और लिखकर ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक एंजॉय, हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस।